हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिसमें हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर कैमरे की बात करें वो हमें 32 मेगापिक्सल के पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ में आने वाला है, जो कि अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन निकल के आएगा जब भी ये लॉन्च होगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस इन्फिनिक्स के नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि आने वाले टाइम पे लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पे इसमें करीब 2 से 3 महीने लग सकते हैं इसको लॉन्च होने में। और यहाँ पे ये स्मार्टफोन ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें हमें काफ़ी परफेक्ट सेल्फीज देखने को मिलने वाली है। और अगर इस फ़ोन के अदर फीचर्स की बात करें वो हमें काफ़ी अच्छे और काफ़ी कम रेट में देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे हमें P70 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जैसा कि हमें इन्फिनिक्स के किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जो है इन्फिनिक्स हमें P70 का प्रोसेसर देने वाला है, क्योंकि इन्फिनिक्स ने अभी तक हमें किसी भी फ़ोन में P70 का प्रोसेसर नहीं दिया है। उसके सभी फ़ोन में हमें P22 का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है। P70 प्रोसेसर के साथ में इतनी ज़्यादा स्पीड देखने को मिलने वाली है जैसा कि हमें इन्फिनिक्स के पिछले स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। बात करें इस फ़ोन के रियर कैमरे की तो इसमें हमें पेंटा कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमें रियर में 5 रियर कैमरास देखने को मिलने वाले हैं, वो भी क्वाड LED फ्लैश के साथ में। और जैसा कि हमें इन्फिनिक्स के पिछले स्मार्टफोन में देखने को मिला था 6.6 इंच की HD+ डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे हमें 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन सपोर्ट करेगी। और यहाँ पे हमें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर फोटोज़ भी देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि हमें HD+ डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे हम फुल सिनेमा व्यू डिस्प्ले देखने वाले हैं इन्फिनिक्स के आने वाले स्मार्टफोन में, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन निकल के आने वाला है। उसमें हमें बैटरी की बात करें वो हमें 5000 mAh की देखने को मिलने वाली, जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी, जिससे हम अपने फ़ोन को काफ़ी फास्टली चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है।